बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम कालाम साइड भी जाएंगे, तो कल तो हम कालाम गए थे, वहाँ पर भी हमने चक्कर लगाए, घूमे फिरे। उसके बाद हम वापस मलमजब्बा साइड आए, और अभी जो है हम मलमजब्बा के बिल्कुल टॉप पे हमने होटल जो है वो बुक किया है। तो अभी हम बिल्कुल टॉप पे मलमजब्बा के मौजूद है। यहाँ पर और भी बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन हमने इसकी व्यू को देखा, बहुत अच्छी व्यू है इसकी। आपको ये गार्डन है, इसमें एक छोटा सा यार्ड है जहाँ पर जो है लोग आते हैं, बैठते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। खाना भी यहाँ पर इन लोगों के पास अवेलेबल होता है। बहुत प्यारी जगह है, मैं आपको वहाँ पर भी दिखाती हूँ। हम इस तरह जाएंगे भी आगे, तो मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ, तो आप आइए मेरे साथ। ये देख सकते हैं आप, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रूम्स है, अच्छी अच्छी जगह है, ऊपर भी इस तरह रूम्स है। तो मैं आपको अपने कमरे की तरफ भी लेकर जाऊंगी, मैं आपको वहाँ से भी व्यू दिखाऊंगी कि किस तरह व्यू है। ये देखिए इस साइड पे भी आप लोग, ज़रा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो आइए मेरे साथ, मैं सबसे, ये पूरा होटल है और इनके मुख्तलिफ़ कमरे होते हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं इनके, तो बहुत ज़बरदस्त नाइस जगह है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा रूम, हमारे रूम का नंबर कौन सा था, हाँ ये है, हाँ हाँ ये हमारा रूम है। तो मैं आपको अभी अपना रूम दिखाती हूँ कि हमारा रूम किस तरह है। मैं आपको ज़रा इसकी विज़िट भी करवाती हूँ। तो इस साइड पे आप आएंगे, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह भी हमारा पड़ा है, लेकिन खैर है। चले, ये आप देखिए, यहाँ पर भी बेड है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे साथ फैमिली आई है, तो चले फैमिली वाले हैं, तो वो लोग अभी जो है 10 बज रहे। और इस साइड पे भी 2 बेड है, सिंगल बेड है, बहुत खूबसूरत जगह है, सामान वगैरह पड़ा। मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ की सिर्फ ये व्यू, ये इसकी एक खूबसूरत या नज़ारा जो है, सबसे मेन पॉइंट ये है यहाँ की, यानी इन ये होटल जो है इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप लोग देखे सामने, वो जो है आमिर मकाम सर का घर है, यहाँ पे उन्होंने घर भी बनाया है, देखे स्पेशल रोड भी बनाया उसके लिए, तो बहुत खूबसूरत जगह है। हम जब सुबह उठे तो उस साइड पे देख रहे थे, सही वो फोक टाइप नहीं होता, धुन धुन वो भी था, लेकिन रात को जो था, शाम को जब हम लोग यहाँ पर आए थे चाय पीने के लिए, नीचे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा धुन था, फोक काफ़ी ज़्यादा था, और बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया। और ग्रीनरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपके सेहत के लिए, आपके नज़र के लिए जो है ग्रीनरी बहुत है। आप जब सुबह सबसे पहले उठे, नमाज के बाद आप लोग कोशिश करें कि ग्रीन चीज़ों को देखा करें। ग्रीन चीज़ों का मतलब ये है कि एक दरख्त हो गया या ग्रासेस हो गए, इस तरह ग्रीन चीज़ों को देखा करें, इससे आपकी नज़र तेज़ होती है, दिस इज़ नेचुरली प्रूव्ड। तो ये देखिए आप ज़रा, इतनी खूबसूरत जगह है, वो नया होटल भी बन रहा है, फिर शायद आप लोग आएंगे तो इन्जॉय करेंगे इसमें भी, बहुत खूबसूरत जगह है। तो चले इंशाल्लाह आगे जाते, अभी मैंने नाश्ता करना है। आप कहेंगे कि ये नाश्ते के टाइम पे वीडियो बना दी तो हाँ, जब हम नाश्ते का ऑर्डर दे देते उसके बाद मैं डायरेक्ट वीडियो, पहले मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता भी करना है, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।